व्यूअर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक चैलेंज आर्टवर्क करने जा रहे हैं। ये चैलेंज है ड्रीवॉल्ट इंडिया की तरफ से, #drivolt12challenge। सो इस ड्रॉइंग चैलेंज में हमें एक्चुअली करना क्या है कि हमें 12 कलर पेंसिल्स का यूज करके हमें अपनी आर्टवर्क्स को बनानी, हमें अपनी ड्रॉइंग को बनानी है। तो लेट्स सी मैं क्या ड्रॉइंग बनाता हूँ। एंड ड्रीवॉल्ट का चैलेंज है, सो मैं ड्रीवॉल्ट का ही कलर पेंसिल्स यूज करूंगा। मैं बोल तो ऐसे रहूं जैसे ड्रीवॉल्ट ने मुझे पर्सनली चैलेंज दिया है, बट ऑल्दो आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज एंड मैं 12 कलर पेंसिल्स का यूज करके एक ड्रॉइंग बनाने वाला हूँ। सो मैं बेसिकली 10 कलर पेंसिल्स ड्रीवॉल्ट का यूज करूंगा एंड जो ब्लैक है वो मैं स्टेटलेस कलर पेंसिल का यूज करूंगा बिकॉज मेरा ड्रीवॉल्ट का कलर पेंसिल्स काफी छोटा हो चुका है। एंड व्हाइट कलर का जो कलर पेंसिल है वो भी मैं यूज करूंगा हाईलाइट्स के लिए। सो वो मैं प्रिज्मा का पेंसिल यूज करूंगा या फिर मैं व्हाइट चारकोल यूज करूंगा। तो लेट्स सी मैं ड्राइंग में क्या बनाता हूँ। सबसे पहले मैं रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। सो आई हैव सेलेक्टेड माय रेफरेंस इमेज। सो रेफरेंस इमेज एक पैरोट का है, एक मकाऊ का। सो उसका जो कलर स्कीम है वो कुछ सिमिलर कलर से रिलेटेड, जैसे उसमें येलो कलर्स हैं, देन ब्लू है, ग्रीन है। सो ये सब एक ही कलर सेगमेंट के हैं। सो मुझे इसमें कलर मिक्स करके अलग शेड बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसीलिए मैंने ये कलर स्कीम चूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइंग। सो मैं ड्रॉइंग का कलर पेंसिल इसीलिए इस ड्रॉइंग को करने के लिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज हमारा जो रेफरेंस है उसमें काफी सारे डिटेल्स है, जो हमारा पैरट होगा उसका फेदर्स बनाने में उसके जो डिटेल्स वगैरह होंगे, तो उसमें ये जबकि एक पेंसिल है सो इससे हम अच्छी तरह से डिटेलिंग कर सकते हैं। जो कि मेरे पास एक और कलर पेंसिल्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, स्टेटलेस का कलर पेंसिल्स, तो उसके कलर पेंसिल्स में होता क्या है कि वो एक पेस्टल बेस्ड कलर पेंसिल्स है, तो उसमें उतनी अच्छा से डिटेलिंग हम नहीं कर पाते हैं एंड वो कलर पेंसिल्स टूटता भी बहुत है। सो आई ऑलवेज मोस्टली प्रेफर फॉर डिटेलिंग पार्ट ड्रॉइंग कलर पेंसिल्स। सो अब हम लोग फटाक से कलरिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक तो मैंने फिलहाल सोचा है कि मैं केवल ऑब्जेक्ट में ड्राइंग करूंगा एंड जो हमारा बैकग्राउंड है उसे मैं रहने दूंगा क्योंकि हमारा जो पेपर है वो ग्रे है तो वो ऐसे ही अच्छा दिखता है, बट लेट्स सी आगे मैं क्या करता हूँ। तो चलो पहले अब कलरिंग शुरू करते हैं। ये कुछ कलर 12 कलर है जो मैं यूज करने वाला हूँ। लेमन येलो, मीडियम येलो, डार्क येलो, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, मीडियम ब्लू, स्काई ब्लू, जेड ग्रीन, पेल ग्रीन, ग्रीन, एसिड ग्रीन एंड मैं ब्लैक यूज करने वाला हूँ स्ट्रटलर्स का बिकॉज इसका जो ब्लैक है इतना छोटा हो गया है। सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड आर हेड पोर्शन एंड जो इसमें व्हाइट वाला इफेक्ट है वो कितना मस्त आ रहा है ना, बिकॉज हमारा ये ग्रे पेपर है तो ग्रे पेपर होने के कारण जो हम व्हाइट पेंसिल जब यूज करते हैं तो ये बहुत मस्त इफेक्ट देता है। तो अगर आपको अगर आपके ड्राइंग में अगर ज्यादा हाईलाइट रह गया तो ज्यादा व्हाइट पोर्शन है तो आप ग्रे पेपर का यूज करके एक बार ट्राई करो या फिर कोई डार्क शेड पेपर का ट्राई करो, बहुत मस्त रिजल्ट मिलता है। सो लेट्स कंटिन्यू द ड्राइंग। वीडियो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, टाइम लैप्स एंजॉय करो। अभी रात के 3 बज रहे हैं। सो मैं ये अभी ड्राइंग अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। सो मैं अभी इसे रखता हूँ, मैं कल इसे कंटिन्यू करूँगा बाकी जितना बाकी है। सो मैं कल कोई भी हालत में इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। सो day 2 कंटिन्यू करते हैं। सो आप लोगों के लिए क्या day 2 day 1, सो आप लोग ये वीडियो अभी देख लोगे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल थोड़ा सपोर्ट करो, जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला उसको ग्रे कर दो एंड एक लाइक बटन आ रहा होगा ग्रे कलर का उसको भी ब्लू कर दो। तो ड्राइंग आप कल कंटिन्यू करते हैं। Thank you.
आर द मेन पार्ट द ऑब्जेक्ट द आवर पैरोट. सो अब मैंने सोचा था ऐसे कि मैं बैकग्राउंड में ही करूँगा, बट ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा विदाउट बैकग्राउंड एंड चैलेंज. थोड़ी ना मजा आएगा अगर इसमें काफ़ी अगर मेरे लिए कुछ डिफिकल्टी ना हो तो. सो हमारा जो बैकग्राउंड है ब्लर वाला बैकग्राउंड है कुछ इस टाइप का. सो इसको बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला बिकॉज इसमें मुझे बहुत सारे शेड्स दिख रहे हैं. सो मुझे शेड्स, मेरे पास पेंसिल्स कम है, केवल 12 पेंसिल्स है, तो मुझे उन्हीं पेंसिल्स उन्हीं शेड्स का यूज़ करके इन्हें भी मिक्स करके बनाना होगा. तो थोड़ा सा चैलेंज को डिफिकल्ट करते हैं, बैकग्राउंड करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. आज का ये वीडियो देखने में मजा आया होगा. आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरा ये जो 12 कलर वाला चैलेंज है ये आप लोगों को कैसा लगा, इसका रिजल्ट आउटकम कैसा लगा आप लोगों को. सो नीचे कमेंट करके बताओ. एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, लाइक बटन को प्रेस करके ब्लू कर दो एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ग्रे कर दो. और अगर आप लोगों को ये रेफरेंस इमेज पसंद आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये इमेज का लिंक आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो. एंड आप लोग अगर इस ड्रॉइंग को बनाते हो और मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नेम आ रहा होगा, आप लोग जाके मेरे को अपना आर्टवर्क सेंड कर सकते हो. मैं आप लोगों का आर्टवर्क थोड़ा रिव्यू कर दूंगा या फिर शेयर कर दूंगा. सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. अगली वीडियो के साथ ऐसे ही अच्छे आर्टवर्क के साथ जल्दी मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.